हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर राजेश आज आप लोगों को अजेंटम नाइट्रिकम के बारे में बताएंगे। अजेंटम नाइट्रिकम होम्योपैथिक मेडिसिन और अजेंटम नाइट्रिकम का सिम्टम क्या है जिस पर आप अजेंटम नाइट्रिकम दवा चला सकते हैं। तो अजेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट जो है वो वाला तो कंफ्यूज माइंडेड का होता है, वो किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता है कोई भी चीज पर। और जब कंसंट्रेट करेगा तो उसको माइंड थोड़ा सा घूमने लगेगा। दूसरी चीज है कि वो क्राउड में जाएगा तो सोचेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत तरह की बात सुनने लगता है, कंफ्यूज ही रहता है। दूसरी चीज है कि अजेंटम नाइट्रिकम का जो सिम्टम है इंडाइजेशन का सिम्टम भी है। तीसरी सिम्टम है वो जब खाना अगर खा लेता है उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब कि लैटी लग जाने का टेंडेंसी खाने के बाद। तो खाने के बाद लैटी लग जाने की टेंडेंसी है तो अजेंटम नाइट्रिकम एक खुराक दो बूंद सुबह शाम दीजिए, एक सप्ताह तक ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज है कि अजेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट अगर ऊंची ऊंची मीनारों को देखता है, पर्वत को देखता है तो उसे चक्कर आती है, तो उसमें भी अजेंटम नाइट्रिकम का बहुत ही बेहतरीन रोल है। अब जो है अजेंटम नाइट्रिकम का और कहाँ आप चला सकते हैं। फर्स्ट तो आप अगर कंफ्यूज है माइंडेड का, जो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा है तो अजेंटम नाइट्रिकम चलेगा। तो अजेंटम नाइट्रिकम का जो हम सिम्टम बता रहे हैं बस इजी वे में सिम्टम बता रहे हैं अजेंटम नाइट्रिकम। और अजेंटम नाइट्रिकम उस पेशेंट पर भी काम करता है जिसे गैस तो बहुत बनते हैं लेकिन बहुत कष्ट ठेकाता है बहुत कष्ट हो, ऊपर से ठेकारेगा या गैस भी कष्ट के छूटता है, वैसे पेशेंट को अजेंटम नाइट्रिकम भी काम बहुत अच्छा काम करती है। और खाने के बाद लैट्रिन लग जाने की टेंडेंसी में भी अजेंटम नाइट्रिकम बहुत ही मस्त काम करता है। और ऊंची ऊंची पर्वतों को देखे और चक्कर लगा जाए तो उसमें भी अजेंटम नाइट्रिकम मस्त काम करता है। उसके बाद जो हम सिम्टम बता रहे हैं उस सिम्टम को देख करके अगर देखें कि पेशेंट ऐसा है तो उसे आप अजेंटम नाइट्रिकम दवा चला सकते हैं। और भी अजेंटम नाइट्रिकम का सिम्टम है लेकिन अब सिम्टम तो बहुत सारा है, उतना सिम्टम अगर आप लोग जान जाते हैं तो थोड़ी कंफ्यूज कर जाइए, फिर अजेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट बन सकते हैं। इसलिए बस सम कॉमन सिम्टम अजेंटम नाइट्रिकम का जान लें और आप दवा चला सकते हैं 2×10^30 लेकर के। और जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं तो कोई होम्योपैथिक आदर मेडिसिन तुरंत यूज ना करें, 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद ही होम्योपैथिक के अलावा कोई दूसरे होम्योपैथिक खाएं तो एलोपैथिक का 2 घंटे के बाद ही दवा खाएं। ये नहीं कि होम्योपैथिक दवा भी ले लीजिए और एलोपैथिक दवा भी तुरंत तुरंत दे दी, ऐसे दवा को नहीं खाना चाहिए। अब सिम्टम मिलता है तो एक दवा पे कुछ विश्वास कीजिए तब दवा तो बेहतर काम करती है। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरे वीडियो को आगे भी